राजधानी देहरादून वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही आपको देहरादून के मुख्य चौराहों की शक्ल और सीरत बदली सी नजर आएगी। जी हाँ, बीते दिनों नगर निगम की स्मार्ट सिटी स्टॉक होल्डर के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कार्य योजना पर सहमति बनी, जिसके तहत शहर भर के मुख्य चौराहों पर स्मार्ट पोल लगाए जाने को लेकर मंजूरी मिली है। स्मार्ट पोल लगाए जाने को लेकर नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि शहर में लगने वाले इन स्मार्ट पोलों को लेकर एक बैठक की गई थी, जिसकी कार्य योजना पर काम शुरू हो चुका है। वहीं उन्होंने बताया कि इस स्मार्ट पोल की खासियत ये रहेगी कि इसमें वाईफाई, स्मार्ट लाइट सहित पैनिक बटन की सुविधा भी रहेगी, जिससे अगर किसी के साथ कोई छेड़खानी की घटना होती है तो वो इस पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में हो रहे प्रदूषण की जाँच और निगरानी के लिए भी इन स्मार्ट पोलों में स्मार्ट LED भी लगाई जाएंगी, जिससे कि शहर में कितना प्रदूषण हो रहा है लोगों को इसकी जानकारी भी मिल सके। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट सिटी में परियोजना के अंतर्गत जो भी हम लोग कार्य योजना बना रहे थे, उसकी एक बोर्ड बैठक जो वर्तमान में आयोजित किया गया था, उसके अंतर्गत एक योजना के ऊपर बात की गई है। उसमें शहर भर में विभिन्न स्थानों पर जो है स्मार्ट पोल्स लगाए जाएंगे। स्मार्ट पोल के अंतर्गत जो है वो उस पोल के ऊपर जो है वाईफाई कनेक्शंस की सुविधा, साथ में जो है स्मार्ट लाइट्स की सुविधा और एक पैनिक बटन उसमें उपलब्ध रहेगा, जिसमें कोई भी दबाकर अपने संबंध में पैनिक का जानकारी जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा सकता है। साथ साथ में उस स्मार्ट पोल के ऊपर एनवायरनमेंट सेंसर्स भी लगाए जाएंगे, ताकि शहर भर में कितना प्रदूषण हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका ब्यौरा भी जो है आपको दिखाई देगा LED स्क्रीन के माध्यम से। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।